माय चैनल गाइस। तो आज हम जो है आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं बाजार यशवा की शादी की शॉपिंग करने, यशवा को साथ लेकर। और यशवा का सूट लाना है हमने और मैं तैयारी कर रही हूँ, रूहा तो तैयार होकर आ गई है और बस जो है वो मैं रह गई हूँ। और मेरी कजन से मिले रूहा, हेलो, और इनसे मिले, इनका भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और बहुत सी सपोर्ट चाहिए आप सबकी, और मेरे साथ साथ मेरे व्लॉग्स में रहिए, उसको भी शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, लिपस्टिक भी लगा ली है, लाइनर भी लगा लिया है और थोड़ा सा फेस पाउडर भी लगा लिया है, क्योंकि कराची में अब भी गर्मी है, कोई इतना अच्छा मौसम नहीं है कि हम बहुत मेकअप करके जा सकें। तो अब बस जो है वो नीना बज का वेट कर रहे हैं हम, वो भी रेडी हो जाए तो फिर हम जाएंगे। और हमारा जो दूल्हा साहब है वो नीचे आके सो गए हैं और वो कह रहे हैं जब तुम लड़कियाँ तैयार हो जाओगी तो फिर हम जाएंगे। तो इसलिए अब देखते हैं, बारी बारी सब तैयार होंगे और फिर बारी बारी ही तैयार होकर फिर हम एक साथ जाएंगे। तो गाइस हम तैयार हो गए हैं और रूहा भी तैयार होकर आ गई है। रूहा ने लिपस्टिक भी लगाई है, पहले नहीं लगाई थी ना? पहले लिपस्टिक भी लगाई थी। आप लिपस्टिक लगाई है? ओहो, मैंने भी लगाई है। और ये हमारे दूल्हे साहब हैं जो के सो रहे हैं। आपने मेरे पिछले व्लॉग में जो है वो यशवा का नाम देखा था, वो भी इन्होंने कहा था, मैंने गलत लिखा था, हो गया होगा, हो जाता है, इंसानों से गलती होती है। मैं इतनी एक्साइटेड थी इसकी शादी के उस खुशी में कि मैंने स्पेल्स गलत लिख दिए होंगे, लेकिन ये रहे यशवा की शादी है। और इसकी शादी का सूट हम लेने जा रहे हैं क्योंकि हम इसकी बहनें हैं और हम इसका सूट बनाएंगे, तो इसलिए हम लेने जा रहे हैं और ये उठ ही नहीं रहा है, जबकि हम पैसे हमारे लग रहे हैं, परेशान ये हो रहा है और ये जा भी नहीं रहा है, इसको जाने में भी मसला हो रहा है। तो अभी हम इसे उठा रहे हैं, जल्दी से उठेगा और फिर ये हमारे साथ जाएगा। जाओगे ना? हमें खाना भी खिलाओगे ना? यो मजे। तो गाइस देखिए डेनिस आ गया है और डेनिस ऑटो लाया है और अब हम ऑटो पे जा रहे हैं। डेनिस हेलो कर दे, खाना खिला रहे हो ना हमें आज? बस ठीक है, डेनिस ने ये बैग पहना है, इसमें पैसे हैं, डेनिस हमें खाना खिलाएगा और हम रेडी हैं, हम रेडी हैं बस जाने के लिए, खाना खाने के लिए। नीना भी नजर नहीं आ रही है, तो गाइज हम जा रहे हैं और मामी का बहुत दिल कर रहा है जाने का, लेकिन मामी हमारे साथ नहीं जा रही हैं क्योंकि मामी कह रही हैं फिर घर का क्या होगा, घर का काम कौन करेगा। तो ये देखे मेरी मामी। सो गाइज अभी हम यहाँ पे स्टॉप हुए, हम कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे और नैना बाजी और साहब गए हैं हमारे लिए कुछ लेने के लिए और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो गाइज बाजी आ गई हमारे लिए कुछ लेके। बाजार पहुंच चुके हैं और जो हमारे दूल्हे साहब हैं वो सिलेक्शन कर रहे हैं और हम वो देख रहे हैं। तो गाइज हमारे जॉन इब्राहिम जो है वो कपड़े डिसाइड कर रहे हैं एक शॉप से निकल के दूसरी शॉप में लेकर आए हमें, और फिलहाल तो ढूंढ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एल्बम खत्म होने वाला है और उसको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइस दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हे के भाई नु भी चा चढ़े हुए ने, क्या बात है, इधर देखो भाई चश्मा भी पहनो जल्दी से। डेनिस टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी शादी पे मैं लेके आऊंगी।
ठीक है डेनिस, प्रॉमिस तुम्हारी शादी में मैं लेके आऊंगी। वादा वादा, पक्का वादा। गाइस तुसी जेड़े ना गवाओ। गाइस मुझे याद कराना है इसकी शादी पे कि मैंने इसको ये सब कुछ लेके देना था। जी जी, पीके वाले कान बन जाते हैं। गाइस ये देखिए पीके वाले कान। तो गाइस जो है हम डिसाइड कर चुके हैं कि इस पर कौन सी शेरवानी लेकर के हम दिखाएंगे नहीं, और हमारे एक और दूल्हा भी तैयार है। और अब मैं पहन के देखती हूँ कैसा लगता है। दुपट्टा भी सही करना चाहिए, उसके कान बड़े हैं। पुष्पा झुके गाने गाइस, रोहा ने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी बैठ के देखूंगी। हमने खूब शॉपिंग एंजॉय किया। हमारे दूल्हे साहब जो है वो नाप दे रहे हैं, और डी जो है वीडियो बना रहा है, नीना बाजी जो है वो रूहा को कुल्ला पहना रही है, और जो है ये डाकू कैसा एडवांस पे करके आपको लग रहा है बताएं, खर्चा होगा बहुत सारा। ये देखें, नहीं नहीं ये नहीं, हम दिखाएंगे। तो गाइस अब हम यशवा की शॉपिंग कर चुके हैं, और अभी जूजू की शॉपिंग करनी है हमें। और जूजू की शॉपिंग के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, या बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं। तो अब हम जो है वो जूजू के कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करते हुए देखते हैं, बच्चों के कपड़े हैं यहाँ पे। तो अब हम जूजू के लिए जो है वो कपड़े ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी खवारी करनी पड़ रही है, तब तो हमने जेशवा के लिए नहीं की जितनी हम जूजू के लिए खवारी कर रहे हैं। और अब जूजू के लिए कपड़े ये पसंद करेगा, है ना। गाइज यकीन माने इतना तो हमें जो है वो यशवा ने नहीं घुमाया जितना हमें जूजू की शॉपिंग के लिए घूमना पड़ रहा और सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। अगर हमें कपड़े पसंद आते हैं तो साइज़ नहीं पूरा होता, और अगर साइज़ होता है तो कलर नहीं मिलता। तो बस इसी चक्कर में हम घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। ये देखें ना क्या हालत है हमारी। थे जूजू के कपड़े ढूंढते हुए थक गए हैं ये डैनिस और यशवा। वो देखें आ जाए बेटा इधर आ जाए। यही कहना चाहेंगे कि ये खड्डा हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ से लोग गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, इवन के लोगों के थैले गिर सकते हैं शॉपिंग करते वक्त। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस खड्डे को जल्दी से भरे। और साथ ही हमारे KFC फाइनली हमें मिल चुका है या नहीं मिला। मुझे पता नहीं आजकल डार्क कलर क्यों पसंद आते हैं। इंट्रैक्ट थ्री पीस हैं सब, दूसरा 4000। इतनी रोशनी जो है वो KFC पे ऑर्डर करने आए हैं, और KFC को ऑर्डर करते हैं क्योंकि ऊपर नीना बाजी और जो है यशवा अवेट कर रहे हैं। मैम आप क्या ऑर्डर कर रही हैं? मैं बकेट ऑर्डर कर रही हूँ ब्रोस्ट की, क्योंकि सबको ब्रोस्ट खाना है, बजट को तो खाना नहीं है, तो इसलिए मैं ब्रोस्ट ऑर्डर करूँगी।
हार्ट से। तो फाइनली डेनिस हमें ट्रीट दे रहा है और हम जो है वो KFC खाना खाएंगे। सही है। तो गाइज देखें हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका है फाइनली ब्रोस्ट मजे। और ये मामी लोग का ऑर्डर है और ये माई कोल्ड ड्रिंक और ये हमारे ग्लो। हाँ जी डेनिस को चैलेंज दिया गया है स्पाइसी चैलेंज है। बाजी भी और डेनिस के दरमियान चैलेंज चल रहा है। गाइस ना ज़ूम नहीं करेंगे भूखे होंगे। गाइस डेनिस ने मुच्छा खा लिया है। साहब दिया खा लिया ना साहब वाले ने। तो गाइस अब हमने रूहा को भी चैलेंज दिया। रूहा तुम भी चैलेंज पूरा करो जल्दी से। अब बोलो वाओ। सो भी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बाकी बहुत स्पाइसी है गाइस। KFC से खाना खा लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। हमारी टीम गाड़ी जो है वो बाहर आ चुकी है जो कि वेट कर रही है। अब हम जा रहे हैं। डेनिस जो है वो करीम को ढूंढ रहा है क्योंकि वो यहीं कहीं खड़ा हुआ है। और अब हम डेनिस के पीछे पीछे जाएंगे। जहाँ डेनिस जाएगा वहीं हम जाएंगे। वो यशवा देखे गाड़ी में बैठ भी गया है हमारा वेट किया बिना। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठेंगे और फिर घर जाएंगे। रूहा तो गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं ये नहीं बताऊंगी मैं कैसे बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि डेनिस फिरोज डेनिस कैसे बैठा हुआ है। डेनिस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और रूहा तुम तो रिलैक्स होके बैठी हुई हो। और मेरी एक टांग के नीचे और एक नीना भाई की टांग के नीचे डेनिस और एक मैं भी के नीचे हूं। तो गाइस हम घर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बाजार जब भी जाओ तो थक ही जाते हैं। तो लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया खाना खाया और बहुत टाइम बाद आउटिंग भी हुई हम सब कज़न्स की और शॉपिंग भी हुई तो बहुत मज़ा आया। मेरे इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये व्लॉग मेरा आज का यहीं ख़त्म होता है। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में।